पौड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने जनता की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उनका निवारण भी किया। इसके साथ ही राजकीय महाविद्यालय में ही छात्रों के लिए कोर्स शुरू किए जाने की घोषणा भी की। आपको बता दें कि अब तक महाविद्यालय में बीए की क्लास पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब छात्रों को बीसीए, एमबीए और एमसीए कोर्स के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जब से हमारी सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब मंत्रियों को निर्देश दिए कि अपने प्रभारी जिले में और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हर न्याय पंचायत आयोजित जनता दरबार लगा रहे हैं। और आज हम चाकी से इंटर कॉलेज में जनता दरबार लगा रहे हैं। और मुझे लगता है कि 500 से ज़्यादा लोग आज इस जनता दरबार में, और हम हर ग्राम सभा वाइज की क्या क्या दिक्कत है उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं और विकलांग सर्टिफिकेट भी बना रहे हैं। इसके साथ ही धन सिंह रावत ने 2019 तक पूरी विधानसभा को साक्षर बनाने और 1,00,000 से कम आय वाले परिवार के बच्चों को सुपर 50 स्कीम के तहत आईएएस पीसीएस की फ्री कोचिंग दिए जाने की भी बात कही। पौड़ी से कुलदीप रावत, पंजाब केसरी टीवी।